Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. In this video, I am gonna share with you recently asked cue card that will help you to improve your speaking band score. So, अगर आपका एग्जाम सितंबर 24, 8 अक्टूबर या 13 अक्टूबर को है तो ये क्यू कार्ड लिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये क्यू कार्ड वो क्यू कार्ड है जो रिसेंटली एक दो दिनों में पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको बाकी के क्यू कार्ड तो प्रिपेयर करने ही है जो सितंबर टू दिसंबर लिस्ट में है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड है जो आपको शायद पूछे जा सकते हैं अगर आपका एग्जाम इन डेट्स में है, क्योंकि आपकी स्पीकिंग फिर इसी पीरियड के बीच में ही होगी ना। तो आपके लिए ये क्यू कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो फटाफट से हम शेयर करते हैं ये लिस्ट आपके साथ। हाय, दिस इज मनप्रीत एंड यू आर वाचिंग IELTS Fever चैनल। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। और एक और बोनस है आज की वीडियो में, वो बोनस ये है कि मैं सिर्फ आपके साथ क्यू कार्ड नहीं शेयर करने वाली हूँ, बल्कि आपके साथ मैं Part 1 क्वेश्चन टाइप जो रिसेंटली पूछे गए हैं एग्जाम में और बार बार रिपीट हो रहे हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो फटाफट से देरी किस बात की, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले हम बात करेंगे क्यू कार्ड्स की, उसके बाद Part 1 क्वेश्चंस की, इंट्रो क्वेश्चंस की कि कौन से रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो फटाफट से अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। फर्स्ट क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ टाइम यू हैड अ डिसएग्रीमेंट विद समवन। Second most important cue card, describe a photo that you are proud of. Third, describe a person you know from a different culture. Next, describe a problem you had while shopping online or in a store. Next one is most important, describe a positive change in your life or you got a positive feedback. Next one, describe a part of city or town you enjoy spending time in. Next is the most important, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मिस्ड एन अपॉइंटमेंट। और इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है क्यू कार्ड। नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ पर्सन हु यू बिलीव ड्रेस वेल। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब अ पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टेडियम इन योर सिटी। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू आर बिजी। ये क्यू कार्ड ओल्ड है बट ये बार बार पूछा जा रहा है, ओके। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू रिसीव्ड मनी एज अ गिफ्ट। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब अ टीवी शो यू लाइक टू वॉच। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू गेव ओपिनियन टू समवन। Next is describe a difficult decision that you once made, and last is describe a place where you go to do outdoor activity or play a sport. So ये 15 क्यू कार्ड हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा जो लिस्ट आपके पास है सितंबर टू दिसंबर वो तो आपको एक बार देखनी ही है, बट ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपका एग्ज़ाम मिड अक्टूबर तक है तो। अब मैंने आपको वादा किया था कि बोनस आपके लिए है कि मैं इंट्रो क्वेश्चन भी आपके साथ जो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं वो डिस्कस करूंगी। सो Part 1 के क्वेश्चन जो बार बार इंट्रो के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो है फर्स्ट राइटिंग, ड्रीम्स, वेबसाइट, पजल, जियोग्राफी, ईमेल्स, स्नैक्स, मीटिंग विद अदर्स, होम टाउन, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट प्रोग्राम, बुक्स, वॉच, रीडिंग, टैलेंट एंड स्ट्रीट मार्केट। ये भी 15 से 16 हैं नियर अबाउट टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो आपको करना क्या है कि बाकी तैयारी के साथ साथ इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, और ज़रूर से अगर आपके पास इनमें से कोई क्यू कार्ड आता है तो प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट 3 पर्सन्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें बोलिए कि वो आगे 3 के साथ और शेयर करें। इस तरह से आप हमें भी हेल्प करोगे और बाकियों को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।